उन्नाव में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में, जहां के रहने वाले आरिफ के घर में चोरों ने सेंधमारी कर लाखों का सामान उड़ा लिया। आरिफ का परिवार घटना के वक्त एक समारोह में शामिल होने बाहर गया हुआ था, वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। यह दरोगा बाग जो कि हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, इसमें श्री आरिफ मोहम्मद उनके निवास पे चोरी की घटना सामने आई है। आरिफ मोहम्मद अपनी बेटी की सगाई के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और जब वो वापस आते हैं घर में चोरी होना उन्होंने पाया और संबंधित घटना को कोतवाली थाना क्षेत्र के कोतवाली में हमारे सदर कोतवाली में इन्होंने तहरीर दी। तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया गया है। टोटल जो सामान इनका गया है उसमें नकदी और जेवर मिला के टोटल 10 से 12 लाख की चोरी बताई गई है। और इसके साथ ही हम लोगों को कोतवाली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है, उसमें हमें चोर का हुलिया भी मिला है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोरों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही घटना के खुलासे का दावा कर रही है। पीड़ित ने लगभग 12 लाख के चोरी का आंकड़ा पुलिस को बताया है। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान, पंजाब केसरी टीवी।